उत्तर प्रदेश के जनपद गौतम बुद्ध नगर थाना सेक्टर 39 पुलिस और ठक ठक गैंग के बदमाशों के बीच चेकिंग के दौरान हुई पुलिस मुठभेड़ में दो बदमाश को सेक्टर 41 चौकी के पीछे से गिरफ्तार किया गया है। बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई थी, जिस पर पुलिस टीम द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश पैर में गोली लगने के कारण घायल हो गए। बदमाशों के कब्जे से दो अवैध तमंचा मय, दो खोखा कारतूस, दो जिंदा कारतूस, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल पल्सर जो थाना सफदरजंग दिल्ली से चोरी है, तीन चोरी के लैपटॉप व 8,000 रुपए नगद बरामद हुए हैं। दोनों बदमाश गाड़ियों का शीशा तोड़कर कीमती सामान चोरी करने वाले ठक ठक गैंग के सदस्य व अभ्यस्त अपराधी है। अभियुक्त दीपक उपरोक्त के विरुद्ध विभिन्न थानों में 50 से भी अधिक अभियोग तथा अभियुक्त इम्तियाज उर्फ अरमान के विरुद्ध 32 अभियोग पंजीकृत है। घायल बदमाशों को इलाज हेतु अस्पताल भिजवाया जा रहा है, अन्य जानकारी की जा रही है। निर्देशन में हमारी सेक्टर 45 की टीम यहां पर चेकिंग कर रही थी 41 चौकी एरिया में। यहां पर एक मोटरसाइकिल पर दो संदिग्ध लड़के आते हुए दिखाई दिए थे, इनको रोकने का प्रयास किया गया था। इनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई, पुलिस पार्टी के द्वारा आत्मरक्षा फायरिंग की गई, इसमें दोनों बदमाश घायल हुए। घायल बदमाश से पूछताछ पर ज्ञात हुआ इसमें एक का नाम दीपक है और दूसरे का नाम इम्तियाज है। दीपक जो कि शातिर अपराधी है ठक ठक गैंग गिरोह का, और इम्तियाज भी, दीपक पे करीब 55 मुकदमे पंजीकृत हैं और जो इम्तियाज है उस पर करीब 32 मुकदमे पंजीकृत हैं। इनके पास से एक मोटरसाइकिल बरामद हुई, दिल्ली से चोरी की है, दो तमंचे बरामद हुए जो घटना में विपरीत किए गए हैं, तीन लैपटॉप बरामद हुआ है जो इनके द्वारा अभी हाल ही में चोरी किया गया था, और ये दोनों अपराधी शातिर अपराधी हैं। ये दोनों सेक्टर 45 थाना क्षेत्र से वांछित चल रहे थे, इन पे 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। इनको उपचार हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है। हमारी दो टीमें लगातार इनसे गहन पूछताछ कर रही हैं। अभी इनसे हमें और अभियुक्तों, इनके सहयोगियों और कुछ हैवी रिकवरी की इनके पास से माल की बरामदगी की संभावना है इनकी निशानदेही पर।